हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के द्वारा हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हमारा जो मोटर होती है उसको दो जगह से ऑपरेट करें, वो भी लोकल रिमोट सेलेक्टर स्विच का उपयोग करते हुए। दोस्तों, किसी भी मोटर को चालू और बंद करने के लिए हम कॉन्टेक्टर का यूज़ करते हैं और मोटर के प्रोटेक्शन के लिए ओवरलोड रिले का उपयोग करते हैं। अभी देखिए दोस्तों, जो हमारा मोटर है उसको हमें दो जगह से ऑपरेट करना है, यानी कि एक हमें लोकल स्टेशन से ऑपरेट करना है और दूसरा हमें रिमोट पैनल से ऑपरेट करना है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, यदि हमें केवल एक टाइम पे एक जगह से मोटर को स्टार्ट करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेलेक्टर स्विच का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब सीखते हैं कि किस प्रकार से इसका वायरिंग करते हैं। दोस्तों, यदि हमें मोटर को चालू करना है तो हमें क्या करना होता है, ये कॉन्टेक्टर जो है उसमें फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई देना पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो कॉन्टेक्टर हमारा है इसको हम न्यूट्रल सप्लाई दे देते हैं। दोस्तों, न्यूट्रल सप्लाई में हम किसी प्रकार का इंटरलॉक नहीं लेते हैं, इसलिए हमने इसको सीधे ही न्यूट्रल सप्लाई दे दिए। किसी भी कॉन्टेक्टर में यदि आपको न्यूट्रल सप्लाई देना है तो आपको कॉन्टेक्टर के A2 टर्मिनल पे देना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये जो फेज सप्लाई होती है उसको हमें इस कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे पहुंचाना है, लेकिन इसको यहाँ तक पहुंचाने के लिए हम बहुत सारे इंटरलॉक यूज़ करेंगे। दोस्तों, क्या क्या इंटरलॉक यूज़ करना है उसको मैं आपको बताते जाऊँगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये जो हमारा कंट्रोल वायरिंग होगा उसके प्रोटेक्शन के लिए हम यहाँ पर एक कंट्रोल MCB यूज़ कर ले रहे हैं। दोस्तों, ये जो कंट्रोल MCB होगा वो हमेशा 2 एम्पियर का लगाइएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जो फेज सप्लाई है उसको क्या करेंगे, इस MCB के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब देखिए, ये जो हमारा MCB है उसके आउटगोइंग टर्मिनल से हम एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो ओवरलोड रिले होता है उसके 95 नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों, ये जो ओवरलोड रिले का 95 नंबर टर्मिनल और 96 नंबर का टर्मिनल होता है वो हमेशा NC कॉन्टैक्ट होता है और आपको मोटर के प्रोटेक्शन के लिए हमेशा NC कॉन्टैक्ट ही यूज़ करना है ओवरलोड रिले का। अब देखिए दोस्तों, ये जो ओवरलोड रिले का 96 नंबर टर्मिनल है उसमें से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको सीधे ही हम हमारा जो स्टॉप पुश बटन है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए यहाँ पर हमें 2 स्टॉप पुश बटन यूज़ करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों स्टॉप पुश बटन को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने पावर सप्लाई लेके आए और इसके आउटगोइंग टर्मिनल से हमने क्या किया, इस स्टॉप पुश बटन के साथ कनेक्ट कर दिया। अब देखिए दोस्तों, ये जो हमारा स्टॉप पुश बटन है यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके इस सेलेक्टर स्विच के साथ कनेक्ट करना है, लेकिन इस सेलेक्टर स्विच में दोस्तों बहुत सारे टर्मिनल होते हैं, तो कैसे पता करें कि हमें कौन सा टर्मिनल यूज़ करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम रिमोट के लिए इस कनेक्शन करते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सेलेक्टर स्विच था उसको रिमोट में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि हम चेक करेंगे कि कौन से 2 टर्मिनल पे कंटिन्यूटी आ रही है, जिन 2 टर्मिनल पे कंटिन्यूटी आएगी उसी टर्मिनल पे हमें वायर को कनेक्ट करना है, लेकिन वायर को कनेक्ट करने से पहले आप इन 2 टर्मिनल को वेरीफाई कर लीजिए। वेरीफाई कैसे करेंगे, आपका जो सेलेक्टर स्विच है उसको आप ऑफ पोजिशन में डाल दीजिएगा। जैसे ही आप ऑफ पोजिशन में डालते हैं तो जो कंटिन्यूटी आ रही थी वो आना बंद हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से एक बार आप इस सेलेक्टर स्विच को लोकल में डाल दीजिए, जैसे ही आप लोकल को सेलेक्ट करते हैं तब भी कंटिन्यूटी नहीं आती है, यानी कि ये जो 2 टर्मिनल हैं उसमें ही हमें वायर को कनेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, तो हमें मालूम चल गया कि हमें किन 2 टर्मिनल पर वायर को कनेक्ट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा स्टॉप पुश बटन था उसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके जिस टर्मिनल पे कंटिन्यूटी आ रही थी सेलेक्टर स्विच में उसके 1 टर्मिनल पे वायर को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अब जो दूसरा टर्मिनल था जिस पे कंटिन्यूटी आ रही थी उस टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके हम क्या करेंगे कि हमारा जो रिमोट स्टार्ट पुश बटन है उसमें वायर को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा रिमोट स्टार्ट पुश बटन है इसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो कॉन्टेक्टर है उसके A1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब हमें क्या करना है कि ये जो लोकल स्टार्ट पुश बटन है उसको भी कनेक्ट करना है। तो दोस्तों, इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा सेलेक्टर स्विच था उसको लोकल पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद
हमारा जो प्रॉप्स है उसको सभी टर्मिनल पे कनेक्ट करके चेक करेंगे कि किन दो टर्मिनल पे कंटिन्यूटी आ रही है। जिस दो टर्मिनल पे कंटिन्यूटी आती है उस टर्मिनल को हमें यूज़ करना है, ठीक है। इसको भी वेरीफाई कर लेंगे सेम, हमारा जो सिलेक्टर स्विच है उसको पोजीशन को चेंज करके हम चेक कर लेंगे कि उनमें तो कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। दोस्तों यदि कंटिन्यूटी नहीं आती है तो ओके है, यानी कि आपको उन दो टर्मिनल पे ही वायर को कनेक्ट करना है, ठीक है। दोस्तों जिस टर्मिनल पे कंटिन्यूटी आ रही थी उस टर्मिनल पे हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके उसके साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, जो इनकमिंग पावर सप्लाई दे रहे हैं सिलेक्टर स्विच में, वहाँ पर हमें इन दो टर्मिनल को शॉर्ट करना है, यानी कि लोकल में सेलेक्ट करने पे और रिमोट में सेलेक्ट करने पे जिन दो टर्मिनल पे कंटिन्यूटी आती थी उनको आपस में शॉर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर हम केवल इनकमिंग टर्मिनल पे ही शॉर्ट करेंगे, ठीक है। अब जो आउटगोइंग टर्मिनल है, यानी कि लोकल का जो आउटगोइंग टर्मिनल है उसमें एक वायर को कनेक्ट करके हम क्या करते हैं, ये जो हमारा लोकल स्टार्ट पुश बटन है उसके इनकमिंग टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। आप देखिए अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके इस टर्मिनल के साथ शॉर्ट कर देंगे, यानी कि हमने A1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमारा जो मोटर है उसको रिमोट से भी स्टार्ट कर सकते हैं और लोकल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों इस कॉन्टेक्टर के लिए हमने होल्डिंग सर्किट नहीं बनाया, तो होल्डिंग सर्किट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके ये जो हमारा कॉन्टेक्टर है इसके एनो टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से हम क्या करते हैं कि हमारा जो कॉन्टेक्टर है उसके आउटगोइंग एनोड कॉन्टैक्ट है, यानी कि ये वाला एनोड कॉन्टैक्ट जो है उसमें से एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो A1 टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम सेलेक्टर स्विच का यूज़ करके ड्यूएल स्टार्टर बनाते हैं। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों इस वीडियो में यदि आपको किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।